आप जानते हैं परमाणु के भविष्य के बारे में। दोस्तों, एटम का भविष्य थोड़ा रोमांचक है क्योंकि ये मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अणु एक छोटा सा कण है जो आज के विज्ञान के लिए मार्गदर्शन है। ऐसे कई विद्यालय और संस्थाएं हैं जो इस पर अभी भी खोज कर रहे हैं। उनका मानना है कि अणु मानव की आपातकालीन स्थितियों में काम आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां परमाणु से संबंधित खोज की जाती है। ये इसलिए भी सेटअप किया गया ताकि दुनिया को ये संदेश जा सके कि परमाणु का दुरुपयोग ना हो, बस सिर्फ एटम ऑफ पीस हो। और इसके लिए एक संस्था चलाई गई। इस संस्था को यूएन के साथ मिलकर 1957 में बनाया गया था। नजा मुख्तार, जो कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप निदेशक और विभाग के प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभव रूप से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल रूप से मानव बुद्धि है जो मशीनों में प्रयोग किया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच सकें और उनकी तरह बर्ताव कर सकें। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर साइंस में लागू कर सकें तो हम काफी हद तक कैंसर का इलाज ढूंढ पाएंगे और पानी को अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, इसके प्लान्स ये हैं कि वो सिस्टम को डेवलप करे और साथ ही साथ उसके उपयोग को, जो कि एटम और परमाणु विज्ञान से। दोस्तों, सिंथ जीन्स, जो कि प्रोफेसर और चिकित्सा भौतिक विज्ञानी हैं एमसी गिल विश्वविद्यालय कनाडा में, इनका कहना है कि हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर का इलाज कर रहे हैं और वो भी बेहतरी से, जो कि संभव है परमाणु विज्ञान से। दोस्तों, अगर हम परमाणु भौतिकी की बात करें तो ये एक विशाल अवधारणा और रहस्यमयी है। इसकी खोज अभी तक जारी है। कुछ कुछ ऐसा भी है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, जैसे कि रासायनिक परिणाम, जिसके तत्व के साथ परमाणु संख्या 137 ज्यादा और 15 इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करते हैं। दूसरा है न्यूट्रॉनियम 4 संभव है। तीसरा, क्या फोटोन की खोज डबल स्लिट है। चौथा है, विद्युत फोटोन को कुशलतापूर्वक कैसे परिवर्तित करना है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है, परमाणु कैसे उत्पन्न करते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग जटिल जीवन रूप। अगला है, परमाणु संरचना जो कि उच्च तापमान सुपर कंडक्टर्स की होती है विभिन्न बिंदुओं पर उनके चरण आरेखों के साथ। क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर को, जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है, क्या इसे रूम टेम्परेचर तक सेट किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे कई और भी सवाल है, जैसे कि क्या वो एक्स केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं और क्या वो इसे विश्लेषण कर सकते हैं और क्या वो इसे शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, इन सवालों को सुलझाने के लिए प्रयास और अनुभव की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम परमाणु और उससे संबंधित अवधारणा को अच्छी तरह समझ जाएं तो उसके भविष्य और परमाणु भौतिकी के भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा जो कि कंपोज्ड हैं न्यूट्रल और आयनाइज्ड एटम से, अगर ये सब नॉलेज वैज्ञानिकों को है तो वो अच्छे तरीके से एटम्स में अच्छे बदलाव ला सकते हैं और पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, परमाणुओं का दुरुपयोग भी होता है, जैसे कि परमाणु के इस्तेमाल से परमाणु बम बनाना। और भी दूसरे कई किस्से हैं जहां परमाणुओं का दुरुपयोग हुआ है। तो दोस्तों, अब हमें ये सोचना है कि हम परमाणु और विज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग, तभी हम अपने वातावरण को अच्छे से रख पाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे आज के विषय परमाणु की खोज, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। देखते रहिए हमारी वीडियोस, इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।